उन श्रमिक भाइयों से और साथ में उनके जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे बात करने का मुझे अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, वैसे तो ये कार्यक्रम शनिवार को होता है लेकिन आज रविवार को प्रातःकाल 9 बजे 9:15 बजे का समय इसीलिए रखा है क्योंकि कल दिन भर प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की सबकी बैठक बुलाई हुई थी, इसलिए पूरा समय उसमें लगा तो मैंने अपना समय बदला है। भाइयों बहनों, आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि अपनी जो नई संसद भवन इसका निर्माण हुआ है, उसकी इमारत बनी है, अभी अभी प्रातःकाल उसके उद्घाटन का कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री जी ने वहां जितने श्रमिक थे उन श्रमिकों के प्रतिनिधि 10 लोगों को अपनी ओर से सम्मानित किया और एक प्रकार के श्रमिकों का सम्मान वो देखते ही बनता था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो श्रमिक है वास्तव में वही हर चीज के निर्माण में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे छोटी चीज है चाहे बड़ी चीज है। बिना श्रमिक के हम लोग इन कामों को पूरा कर नहीं सकते हैं। हमारे जो भी आर्थिक विकास है उसमें 4 स्तंभ होते हैं, चाहे उसमें पूंजी है, चाहे उसमें भूमि है, उद्यमिता है और साथ में श्रम है। श्रम के बिना कभी भी कोई विकास का काम संभव होता नहीं है और मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोग एक श्रमिक के नाते से इस देश की सेवा कर रहे हैं। श्रमिकों को महान शिल्पी यानी विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इतिहास में विश्वकर्मा हमारे सबसे पहले शिल्पी हुए हैं जिन्होंने कुछ न कुछ निर्माण करके और हमारे जीवन को सुखी बनाया, चाहे वो प्रारंभ में मिट्टी से चीजें बनती थी, लकड़ी से चीजें बनती थी, लोहे से चीजें बनती थी और धीरे धीरे इन सब चीजों का उपयोग करते हुए आज आधुनिक युग में भी मशीनों के माध्यम से भी श्रमिक ही काम करते हैं और इन श्रमिकों के बिना हम एक भी चीज का विकास कर नहीं सकते हैं, हमारा जीवन दुर्भर हो जाएगा। आज अगर दुनिया को इस लेवल पर इस स्थान पर लेकर के आए हैं तो ये सब श्रमिक ही इसको लेके आए हैं। श्रमिक हरियाणा के विकास में भी बहुत काम कर रहे हैं। हम अपने हरियाणा को विकास को बुलंदियों पर लेकर के गए हैं, दूसरे राज्यों से यदि हम आगे हैं तो इसमें भी श्रमिकों का जो है बहुत योगदान है। आपके बल पर हरियाणा सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला ये प्रदेश बना है। स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि श्रम ही जीवन है, जिस समाज में श्रम को महत्व नहीं मिलता वह बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। अर्थात हम भी उसी सिद्धांत पर एक प्रकार से काम करते हैं। श्रमेव जयते में विश्वास रखते हुए श्रमिकों के प्रति हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं ताकि श्रमिकों का जो जीवन है वो सरल कैसे हो, उनके जीवन उनके परिवार की आवश्यकताएं वो कैसे पूरी हो, इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। अपने यहाँ 2 प्रकार के श्रमिक हैं, संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र तो मात्र 25% श्रमिक ही होते हैं, 75% श्रमिक तो असंगठित क्षेत्र से होते हैं। असंगठित क्षेत्रों का जीवन और ज्यादा दुर्भर होता है क्योंकि वहां निश्चित कोई आय के साधन नहीं होते, अपना रोजगार स्वयं ढूंढते हैं, स्वयं काम करते हैं या कहीं इक्का दुक्का की संख्या में लोगों के पास जाकर के नौकरी करते हैं। उनकी सुरक्षा रखना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब भी इस प्रकार के श्रमिकों की कोई कठिनाई आती है उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। श्रमिकों की न्यूनतम वेजेस यानी न्यूनतम वेतन, इसकी सुरक्षा भी हम करते हैं। श्रमिकों का यदि कभी कोई नुकसान हो जाए यानी दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना के बीमे की हम चिंता करते हैं। श्रमिकों के रहन सहन के लिए उनके मकान की चिंता, उनके अन्य साधनों की चिंता ये हम करते हैं। विशेष तौर पर श्रमिकों के बच्चे, वो क्योंकि आज पढ़ाई काफी महंगी भी हो गई है, पढ़ाई में खर्च भी होता है, कहीं धन के अभाव में बच्चे अशिक्षित न रह जाए इसलिए उन बच्चों को शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हमने कई सम्मान राशि, कई छात्रवृत्तियां इस प्रकार से शुरू की हैं। 2 प्रकार के हमारे बोर्ड हैं, श्रम कल्याण बोर्ड और कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड। तो इस प्रकार के बोर्ड के माध्यम से ये हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं में अभी जैसा मैंने बताया कि हमारी श्रम कल्याण बोर्ड की जो योजना है 7,000 रुपये से शुरू होती थी, उनको हमने मिनिमम 10,000 से शुरू किया है। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं कि 7,000 का 10,000, 7,500 का 10,000 और 8,500 का भी 10,000, इन तीनों राशियों को हमने बढ़ा करके न्यूनतम 10,000 किया है। इसी प्रकार जो कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड है उनमें भी कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक ये 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। अधिकतम राशि तो हम स्कूली शिक्षा के लिए और कॉलेज के लिए
18,000 रुपए तक भी देते हैं। अब सीएस, आईटीआई, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीबीएस आदि के लिए भी ये राशि दी जाती है। अगर इससे आगे तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए छात्रावास का खर्च भी 1,20,000 रुपया और ये दिया जाता है वार्षिक तौर पर। तो इस प्रकार हम लोग जो भी बच्चों की पढ़ाई का खर्च होता है वो पूरा खर्च देने की व्यवस्था रखते हैं। जहां तक बच्चे प्रारंभ यानी एचपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए उस तैयारी में जो बच्चों का खर्च आता है उस पर भी 1,00,000 रुपया तक आर्थिक सहायता उनको ये प्रदान की जाती है। मैं आज अपने श्रमिकों के जो बच्चे इस समय जो मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से जुड़े हैं अथवा लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनसे भी एक आग्रह करूंगा कि कभी भी अपने आप को पढ़ाई करने में अपने आप को कमजोर न समझें। कभी ये ना समझें कि मैं श्रमिक का बेटा हूं और श्रमिक का बेटा तो पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि श्रमिकों के बेटे भी पढ़ाई अच्छी करके परीक्षा में एक से एक अच्छे यानी अव्वल दर्जे के एक प्रकार से परीक्षा पास करके और नौकरी पर वो लगते हैं। और मैं तो स्वयं कई बार ऐसे उदाहरण देता हूं कि अभी पिछले दिनों में गांव में गया, वहां सरकारी स्कूलों के 10वीं से लेकर के और 12वीं तक के बच्चे जिनको मैंने पुरस्कार वितरण किए, उन्होंने 85%, 90%, 95%, 98%, 98% तक भी उन बच्चों ने और अंक लिए हैं। तो कोई भी एक गांव का बच्चा, किसान का बेटा, श्रमिक का बेटा, अगर पढ़ाई करके एक कमरे में पढ़ाई करके भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम दिए हैं और यूपीएससी को पास किया है, कभी भी अपने मन में एक उत्साह जागृत हो तो हम पढ़ाई में अगर अच्छा मन लगा करके करेंगे तो किसी स्थान पर भी पहुंच सकते हैं। हरियाणा के बच्चे अब पढ़ाई में बहुत शौकीन बन करके और उनको आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमने सरकारी नौकरियों में मेरिट को और ये तरजीह देनी शुरू की है। मिशन मेरिट ये हमारा लक्ष्य है। योग्यता के आधार पर ही अब नौकरियां मिलनी शुरू हुई हैं, तो बच्चों की पढ़ाई में जो रुचि बढ़ी है इसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर्स, उसमें भी बहुत भीड़ लगने लगी है, लाइब्रेरीज में भी भीड़ लगने लगी है। गांव-गांव में हमने लाइब्रेरीज भी खोलनी शुरू की हैं। कभी भी चाहे वो गांव का बच्चा हो, शहर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, उसको मन का एक उत्साह रखना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे पास बहुत ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो कभी भी आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई भी एक छोटे परिवार से भी बढ़ करके आगे बढ़ सकता है। अगर हम अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण लें तो बहुत ही गरीब परिवार से वो संबंध रखते थे। उनके पास गंगा नदी का एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए, नाव में देने के लिए एक पैसा भी उस समय नहीं होता था, और एक पैसे के बिना वो नदी को तैर करके पार करके और अपने स्कूल में जाते थे। और एक दिन ऐसा आया कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसा ही एक विश्व विख्यात उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति, अपनी पढ़ाई उन्होंने पार्क में बैठकर के स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की है। और जो पार्क में रात्रि को बैठकर, उनके घर में बिजली नहीं थी तो वो जो पार्क में बैठकर के पढ़ाई करके और एक समय ऐसा आया अमेरिका जैसे देश के वो राष्ट्रपति बने हैं। तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण भी हमारे सामने से आते हैं। हम भी अपनी इस पढ़ाई की व्यवस्था को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं और कभी भी अपने आप को पीछे नहीं करें। पढ़ाई के साथ साथ कौशल का ध्यान भी हमको रखना होता है। बच्चे पढ़ाई करते समय उस कौशल के आधार पर भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और न केवल बच्चे बल्कि अब तो जो श्रमिक हैं, आपके जो माता पिता हैं, जिन श्रमिकों से मेरी बात हो रही है, हम कई बार अपने हाथ के काम में लगे रहते हैं और हाथ के काम करते करते जीवन बीत जाता है। हमने आजकल अब श्रमिकों के लिए कौशल विकास की बहुत सी योजनाएं ऐसी बनाई हैं ताकि वो एक छोटी मोटी मशीनरी के साथ भी अपना काम कर सके, और मैकेनिकल अगर सिस्टम में वो काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी आय भी बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति मैकेनिकल छोटी मोटी ट्रेनिंग इस कौशल विकास के माध्यम से ले सकता है। अभी नए आयाम हमारे लिए खुले हैं। पिछले दिनों में हमने हमारा जो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट अर्थात विदेश सहयोग विभाग जो सरकार का है, उसके माध्यम से जब विदेश के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हमें कुशल श्रमिक ये चाहिए, और कुशल श्रमिकों की मांग हजारों की संख्या में उनके पास आई है। और हम उसी हिसाब से कुछ लोगों को कुशलता के जो प्रोग्राम हैं वो नए नए सिखा करके और उनको विदेश भेजने की ये भी तैयारी कर रहे हैं। भाई बहनों, यानी श्रमिकों के बच्चों, खास करके ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं
उनकी भी सहायता हम अलग से करते हैं, मानसिक रूप से अक्षम है उनकी सहायता करते हैं, उनको उनकी बेटियों की शादी पर हम 51,000 रुपया ये भी देते हैं, बेटे की शादी हो अथवा स्वयं की भी किसी श्रमिक की शादी हो उस पर भी अनुदान देते हैं। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना में भी हम 51,000 रुपये से लेकर के 2,00,000 रुपया देते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि श्रमिक की सुरक्षा ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रमिक अगर अपने काम करते समय कार्यस्थल के ऊपर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो 5,00,000 रुपया उसके परिवार को भी हम देते हैं। कई बार उद्योगों में अथवा भवन निर्माण के काम करने में कई प्रकार की बीमारियां ये भी लगती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर श्रमिक के फेफड़े सिलिकोसिस की विकट जो बीमारी है उससे भी प्रभावित होती है। तो ऐसे जो प्रभावित श्रमिक हैं उनके पुनर्वास के लिए भी 5,00,000 रुपये का अनुदान ये दिया जाता है। बीमारी के कारण से जो श्रमिक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के लोगों को भी अनुदान के रूप में हम सहायता करते हैं। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ जो हरियाणा राज्य कर्मचारी राज्य बीमा वेलफेयर है इनकी सहायता इनके माध्यम से भी 21,000 रुपये के कम वेतन पाने वाले को हम 24,00,000 बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं ये प्रदान कर रहे हैं, अर्थात ईएसआई का लाभ ये भी भरपूर इन श्रमिकों को मिल रहा है। श्रमिकों की योजनाएं बहुत हमने बनाई हैं और इन छोटी छोटी योजनाओं को पाने के लिए अब आपको किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि सारे सिस्टम हमने ऑनलाइन बना दिए हैं और इन ऑनलाइन सिस्टम में आप सरल केंद्रों पर जाकर अंत्योदय भवन में जाकर सीएससी सेंटर के माध्यम से आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। श्रमिकों के पंजीकरण के माध्यम से इन सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए वो योग्य हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने भी श्रम योगी मानधन योजना ये शुरू की है, हर वर्ष 6,000 रुपया उनको मिलता है। अभी तक हरियाणा राज्य में 8,19,000 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। यदि आपने पंजीकरण न कराया हो तो अवश्य अपना पंजीकरण कराएं ताकि 6,000 रुपया ये वार्षिक प्रधानमंत्री जी की ओर से श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आपको दिया जा सके। तो मित्रों, इसी प्रकार जो लेबर कॉलोनीज है हमने वहां पर अंत्योदय आहार योजना इसकी कैंटीन्स बनाई है, 10 रुपये में खाना। इस प्रकार से किसी भी श्रमिक को चाहे वो काम करने के लिए अपने कार्यस्थल पर है अथवा कॉलोनी में रहता है, हमने कई कार्यस्थलों पर भी इस प्रकार की ये जो योजना है आहार योजना इसकी कैंटीन्स ये बनाई है। और मैं अधिकारियों को कहूंगा कि जहां भी कहीं संख्या श्रमिकों की पर्याप्त है वहां पर दोपहर के समय का भोजन उनको इन आहार कैंटीन्स पर मिले तो ये कैंटीन्स अंत्योदय आहार योजना की कैंटीन ये भी बढ़ानी चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों के लिए हम आगे भी और बहुत सी प्रकार की योजनाएं बनाएंगे। आजकल जैसे हमको मालूम है कि बच्चों की पढ़ाई में आईटी का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। अभी बच्चे अपने क्लास में जिस प्रकार से परंपरागत रूप से पढ़ते थे, कहीं कहीं स्मार्ट क्लासरूम भी बनाए थे, अब तो पिछले वर्ष से हमने बच्चों को खास करके 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को टेबलेट्स भी दिए हैं, अर्थात कंप्यूटर पर अपने घर बैठे भी वो पढ़ाई कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चे जितनी सुविधाएं प्राप्त करेंगे उतना उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छी होगी और आगे चल करके हमारे परिवार का कोई बच्चा कहीं सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है वो अपने परिवार की का भी नाम करेगा, अपने गांव का नाम करेगा, अपने जिले का नाम करेगा, प्रदेश का और देश का नाम करते हुए कहीं ऊंची छलांग लगा करके आगे भी बढ़ सकता है। आखिर तो जो हमारे गांव में या हमारे परिवारों में जिस प्रकार के हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो योग्यता है वो कई बार दबी रहती है, छुपी रहती है, तो इस छुपी हुई योग्यता को उभार करके आगे ला करके सरकार भी इसमें हर प्रकार का प्रयत्न करेगी ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें। गांव का आदमी, जैसा मैं कई बार बात करता रहता हूं कि मैं अगर अपना भी उदाहरण दूं तो मैं किसान का बेटा हूं और किसान के बेटे के नाते मैंने खेतों में भी काम किया है, खेतों से यानी सब्जी तोड़ करके बाजार में बेच करके भी आया हूं। मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन जनता का इतना प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा और मैं यहां तक पहुंचूंगा। इसलिए प्रेरणा इन बच्चों को कहीं से भी मिल सकती है। आप भी बच्चों को, अपने बच्चों को इस प्रकार की प्रेरणा देते रहें। आप श्रमिक भले ही हैं लेकिन देश के निर्माण में आपका भी योगदान है। छोटा बड़ा हर प्रकार के योगदान का लाभ सब जगह होता है, लेकिन बच्चों को हम आगे अपने से आगे कैसे बढ़ाएं इस प्रकार का प्रयत्न हम सब करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है वो सफल होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज इस विषय पर यहां विराम लेता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ने कहा जो भी साथी मुख्यमंत्री